नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं ज्वार डाटी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो पंचायत सचिव का जो रिजल्ट आने में इतना डिले हो रहा है और यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आप लोग इसका आंदोलन कर रहे हो, जिसका मैंने लाइव प्रसारण भी अपने चैनल पे किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई है और आप लोग आंदोलन कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे बहुत ख़राब लग रहा है और इसलिए ख़राब लग रहा है क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है और आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें मैंने देखा कि यहाँ लड़ाई हो रही है, आपस में ही बहुत लड़ाई हो रही है। अगर आपस में ही लड़ोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ जो आप ही लोग कर रहे हो। जैसे नीचे देखिए, ये तो नहीं है, ऊपर में देखिए ऐसे है। रितेश जी सब यहाँ पर ऑर्डर झाड़ रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। फिर देखिए, और यहाँ पर से बहुत सारे 4900 का 10% भी नहीं पहुँचा है, ओनली फालतू बकवास। अमन, कैसा सेंड मी योर प्लीज एडमिट कार्ड, अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम दिस। यहाँ पर धमकी भी चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर सब एक दूसरे को ताना दे रहे हैं, सब एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे, देखिए यहाँ पर जो दिग्गज हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर बस फालतू का डिस्कशन चलता रहता है कि ऐसे करो वैसे करो। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अजय गुप्ता ऐसे के बीच में बात हुई है। उसके बाद और भी मुझे कुछ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नज़र आए हैं जो चैटिंग चल रही है। ये टेलीग्राम का चैनल है, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। और यहाँ पर लड़ाई चल रही है, यहाँ पर मैंने देखा है। तो कैसे भेजे बनेगा मजबूत बटेगा, और सही कहा, वैट से ज़रूरी अपने पक्ष को। यहाँ पर बहुत सारे अच्छी बातें भी हो रही है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं और बहुत कोई बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है आंदोलन, ये गलत है, हमें चुपचाप रहना चाहिए, रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबकी अलग अलग मत होती है, आपस में लड़ने का ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है, TGT ग्रुप के रितेश सर से आप लोग मिल सकते हैं, उन्होंने PRT के लिए भी केस किया था। देखिए इन्होंने ये कहा है, यहाँ पर देखिए, माई थॉट शेइंग दैट अमन केसा इज सपोर्टर ऑफ सोनी ग्रुप, सारे सोनी सपोर्टर का काम तमाम हो जाएगा 4 नवंबर को। यहाँ पर सब अपने अपने विचारधाराएं रख रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए एक ने तो लिखा है, मेरी मानिए तो रांची में TGT के लड़कों का ग्रुप है जो बहुत ही सक्रिय है और उनका पूरा प्रयास है कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से वकील लाया जाए। हमारे जो साथी रांची से हैं उनसे संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं, फिर जैसा हो हम लोग रणनीति बनाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, सबकी ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखिए आगे, वो गंजड़ी अब कुछ नहीं करेगा, सारा सारा रायता उसी का फैलाया हुआ है। उसके बाद देखिए तो क्या होगा, कुछ नहीं कर सकेगा वो, उसकी ताकत नहीं है। फिर आगे जब जाते हो दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। देखिए एक ने तो लिखा है, भाई राम मंदिर का क्या हुआ, मोदी योगी अमित शाह कोई कुछ नहीं कर सका, बस जनता को घुमा रहे थे इतने दिनों से, क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं, उसी तरह कुछ अब अपना भी हाल है, अब मैटर कोर्ट में है, जो होगा कोर्ट से ही डिसीजन होगा। यहाँ गोबर दास कुछ नहीं कर सकता और ना ही JSSC, सो 4 नवंबर तक वेट करना ही होगा, बाकी डिसीजन तो अपने फेवर में ही आएगा, अपने में ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लड़की और लड़कों का भी लड़ाई हो रही है, तो बहुत सारे यहाँ पर देखिए, इसलिए मैंने आप लोगों के यहाँ पर देखे हैं कि आप लोग यहाँ खुद लड़ रहे हो, तो अगर इस प्रकार लड़ोगे तो आप लोग सफलता को नहीं पाओगे दोस्तों, आप लोग को एकजुट होकर काम करना है। मैं जानता हूँ कि सबकी अलग अलग विचारधाराएँ होती है, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो जिनको अच्छा लगे वो इसको करो, आंदोलन कीजिए, जिनको अच्छा नहीं लगे वो आंदोलन मत कीजिए, लेकिन लड़ाई नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पर बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ कंक्लूजन, कि आप लोग अपने आप में मत लड़ो और एक साथ मिल के एकजुट होकर जो अच्छा लगे वही करो दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए और ऐसा लड़ाई नहीं कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।